आज हम देंगे पनीर को एक यमी और टेस्टी करी ट्विस्ट। चलो बनाते हैं करी पनीर। करी पनीर बनाने के लिए लीजिए एक बोल। बोल में एक अंडा फेंट लीजिए। उसमें हम डालेंगे एक चम्मच फ्रेश क्रीम और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस मिश्रण को साइड में निकाल कर रख देंगे। अब एक नया बोल में आधा कप बादाम का आटा, एक बड़ा चम्मच करी पाउडर, एक छोटा चम्मच कायान पेपर पाउडर, एक छोटा चम्मच प्याज का पाउडर और एक छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर, ये सारी चीजें डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिक्सचर को भी साइड में निकाल कर रख दीजिए। फिर हम एक और बोल में लेंगे 100 ग्राम पनीर जो हमने क्यूब्स में काट कर रखे हैं। उसमें एक छोटा चम्मच करी पाउडर और एक छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पनीर के टुकड़ों को अंडे के मिश्रण से कोट करना है इस तरह। अंडे में कोट करने के बाद करी पाउडर के मिश्रण से कोट कर लीजिए। ये कोटिंग पनीर को और भी क्रिस्पी करने में मदद करेगी। इन पनीर क्यूब्स को अब एक बेकिंग पैन में रख दीजिए। याद रहे पनीर के टुकड़ों में थोड़ी जगह बनाकर रखना है। इसे 425 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट तक बेक कर लीजिए। और ये है आपका हेल्दी क्रिस्पी यमी करी पनीर तैयार। न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी के लिए जाइए हमारी वेबसाइट juicedigital.in पर। ऐसी और हेल्दी रेसिपीज के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल जूस फूड पर।